सा कोऑपरेट करना है ना, जितना जल्दी, जितना मैंने सोच रखा है, देखो जल्दी हो गया तो जल्दी छोड़ दूंगी, वरना 1.5 घंटे बिठा के रखूंगी तुम लोगों को, है ना। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना मेरी बात सुनो ध्यान से, कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो 1 मिनट दिख ही नहीं रहा। चलो ठीक है। हाँ मैं क्या कह रही थी, आप लोगों को अगर पता हो संडे को आपका टेस्ट होने वाला है ना, 23 अप्रैल को, ठीक यस है। मुझे आप हेल्प लोगों चाहिए। का चैप्टर रहेगा, वो रहेगा पूरा सॉल्यूशन, है ना। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग बहुत पढ़ भी रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो काफी ज्यादा रिवाइज भी कर लिया है उसको, है ना। तो ये काफी अच्छी बात है, बट अब बस आप लोग ना टेस्ट में प्रूव करके दिखा देना कि भाई हम पढ़ रहे थे एंड हमारा टेस्ट भी बहुत अच्छे से गया है, ठीक है। मैम कितने क्वेश्चंस आएंगे? बच्चे एक्चुअली मेरे ख्याल से 10 10 होंगे पर सब्जेक्ट, आइडिया नहीं है अभी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि 10 रहेंगे 15 रहेंगे, ठीक है। हाँ ओके मैम, और मैम कितने मार्क्स का होगा टेस्ट? वही मैं बोलूँ, इसका थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं है, मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगी 1 2 दिन तक, ठीक है। लेकिन मैम आप कल तक लोग, आएगा पूरा डेटा, हाँ कल जी बेटा से टेस्ट होगा कल तक? बता दूंगी, लेकिन आप लोग प्रिपेयर रहना कि सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। यस मैम, ओके तो ओके, लास्ट टाइम हमने कितना कर लिया था, हमने कर लिया था राउरकेला कर लिया था, एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कर लिए थे, ठीक है। यस मैम। रोहन ज्वाइन कर गए हैं क्या? हाँ ठीक है, तो रेगुलर ही हो आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, हाँ तो मैं ये बोल रही थी, लास्ट टाइम हमने ना आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और राउरकेला के बारे में डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हमने राउरकेला में क्या पढ़ा था कि जो हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, आप लोगों को बोला था जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, है ना, ये वाली चीजें पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखा था, आइडियल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ उसके अंदर जो कंडीशंस थी आपकी, एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी कंटेंट है ना, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा जी हो गया, डेल्टा वी हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या होता है, ठीक है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने देखा था उसको हमने 2 पार्ट में जो है बेसिकली कैटेगराइज कर दिया था, किसमें किया था, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, है पॉजिटिव ना, डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन। हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में किया था। पॉजिटिव डेविएशन में हमने ये देखा था कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है वो वीक रहती है, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से वेपर प्रेशर जो होता है वो उस केस में ज्यादा रहता है। वाइल इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन हमने क्या देखा था कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है एंड वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना। फिर मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई थी कि कैसे कैसे जो है आप लोग याद करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला था, एल्कोहल होना चाहिए, CCl4 एंड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, राइट। और उसमें क्या बोला था, नेगेटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला था, एसिड, एसिड एसिड, और एसिड, CHCl3 होना चाहिए, और सेम सेम वाले जो थे वो आइडियल वाले थे। हाँ एसिड और एनिलीन बताया था मैंने आप लोगों को, एक यस मैम, क्लोरोफॉर्म, हाँ एक क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, राइट। अच्छा इसके अलावा क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो जाएंगे, इजी आता है, एक क्वेश्चन नीट में, एक एक तो पक्का ही आता है नीट में सॉल्यूशन से, कई बार उसका मन करता है तो वो 2 क्वेश्चन भी दे देता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छे से ये करेंगे चैप्टर उतने आपके जो 4 से 8 नंबर है वो स्ट्रॉन्ग पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, आज का डेट क्या है, डेट बताओ मेरे को, 18 18 18 अप्रैल। ठीक है 18 अप्रैल है, ओके। और आपका बैच है B02, ठीक है। तो आज का जो बच्चे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ना वो रहने वाला है एजियोट्रोप्स एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर रह गया था करवाना, तो वो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट करवा देती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ जो ये एजियोट्रोपिक जो एजियोट्रोप वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है इससे, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। तो जो मैं ज्यादा टाइम लगाने वाली हूँ, जो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाली हूँ, वो मैं करने वाली हूँ आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, सारी तो नहीं होंगी
सोचा है आज दो करवा दूंगी, बाकी लेट्स सी कि कितना होता है, लेकिन उससे पहले हम एजियोट्रोप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चल एजियोट्रोप्स के बारे में बेटा आप लोगों को ना सिर्फ मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी ना वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाँ वेरी गुड, ठीक है आई नो आता है आप लोगों को, सुन लो ठीक है। एजियोट्रोप से बेटा अगर क्वेश्चन आया ना, कैसा क्वेश्चन आता है एजियोट्रोप से, आपको चार स्टेटमेंट दे रखी होगी राइट, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एजियोट्रोप। एंड मैं चाहती हूँ मेरी क्लास में जितने भी अभी तुम लोग 20 बच्चे बैठे हो, आज पता नहीं स्ट्रेंथ क्यों कम है, जितने भी तुम 20 बच्चे बैठे हो सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ लेंगे राइट, ठीक है ओके। तो सबसे पहले बच्चे बात यह आती है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं आपके, ठीक है, वो आपके क्या बनाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। जो आपके, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि उनमें ही हम देखते हैं लार्ज डेविएशन देखने को मिलती है ना। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि या तो सोल्यूट सोलवेंट में गहरी दोस्ती होगी या उनकी दोस्ती क्या होगी, कमजोर होगी, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ये सुना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, सुना है आप लोगों ने? बेसिकली आप इसमें क्या करते हो, जैसे मान लो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ये लिखा हुआ तो आपको आ जाएगा समझ में, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपके पास है एक वाटर और आपके पास है इथेनॉल, राइट। आप लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, बोलो हाँ या ना। 373 केल्विन होता है और इसका अराउंड होता है कितना होता है 351 समथिंग होता है, एग्जैक्ट है ये इतना केल्विन होता है, ठीक है। ये सिंपल, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं ध्यान रखना है तो नहीं रखने की जरूरत है, सिर्फ इतना ध्यान रखो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पानी से कम होता है ना। अब आप लोग लैब में खड़े हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको जल्दी से करके फिनिश करेंगे। मान लो आप लैब में खड़े, हाय निगम लेट हो गया बेटा आज, मैम स्कूल से आया था अभी अभी बिल्कुल। ओके 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 ठीक है ठीक है, हाँ पानी वानी पी लो अच्छे से, ठीक है हाँ। तो जैसे आप लैब में खड़े हो, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने आपको ना एक उसमें फ्लास्क में, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या दे दिया, उसमें पानी और इथेनॉल का मिक्सचर दे दिया। एक मेरे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, मैंने कह दिया भैया लो इसमें क्या है, वॉटर और इथेनॉल का मिक्सचर है, राइट। ये आपका ट्राइपोड स्टैंड है, ये वायर गोज है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ बेटा मुझे ना वाटर अलग करके लेके आओ और इथेनॉल अलग करके आओ। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, वाटर अलग करके आओ और इथेनॉल अलग करके लाओ। तो आप लोग क्या करोगे, मैम हमें ना ये पता है कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है डिफरेंस है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना स्टार्ट करते हो, इस तरह से ना कंडेंसर को इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करके लगाते हो। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना रही हूँ डायग्राम, लेकिन ऐसा कुछ होता है उसमें, अगर कभी किसी ने देखा हो लैब में ऐसा बिल्कुल, हाँ टेढ़ा करके और यहाँ पे आपका फ्लास्क रखा होता है इस तरह से, ठीक है ओके। तो आपको पता है बच्चे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वॉटर से कम है, राइट। तो अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सबसे पहले उसके ही वेपर बनना स्टार्ट होंगे, इथेनॉल का वेपर बनना उससे स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही वो टाइम आएगा जब इथेनॉल के वेपर बनना स्टार्ट होंगे तो वो क्या करेगा, कंडेंस होके जो है दूसरे वाले फ्लास्क में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर आप एक टाइम पे इकट्ठा कर लोगे तो आप मेरे पास लेके आओगे दोनों फ्लास्क, आप कहोगे मैम ये इथेनॉल है और ये मेरे पास पानी है ना। तो मैंने बोला कि तुम सेपरेट कराए, आप लोगों ने बोला यस मैम मैं सेपरेट कराया या कराई। तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगी, जो आप ये वाले फ्लास्क में पानी लेके आए हो क्या इसमें प्योर वाटर ही है, या मैं ये पूछूं कि जो ये आप इथेनॉल लेके आए हो क्या इसमें प्योर इथेनॉल ही है। तो आंसर इज नो, नो, आंसर इज नो। अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट जो इथेनॉल आपका प्योर होता है वो कितना प्योर होता है, 95% प्योर होता है, 5% अभी भी उसमें क्या है, पानी है। लेकिन जब आप इथेनॉल उस मिक्सचर को गर्म करोगे तो वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो, एजियोट्रोप।
है, ठीक है, जो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा भैया, इससे ज्यादा मैं और प्योर नहीं होने वाला, 95% प्योर हो गया, इससे ज्यादा अब जो है मैं प्योर नहीं होऊंगा। अब जो इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, अब ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, और इसी मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है, तुम मेरे को थम्स अप देते रहा करो, अदरवाइज मेरे को, मैं तो बोर हो जाऊंगी, मेरे को पता ही नहीं लगेगा बच्चों को क्या पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। क्लियर हुआ एजियोट्रोप क्या होते हैं? मैम मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है हमने प्योरीफाई करके देखा डिस्टिलेशन करने के बाद, हाँ 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 तो उसे जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर इसमें कंडीशन है ना। हाँ जी बेटा, जैसे अभी प्रियांशु बोल रहा है कि हाँ, जैसे मान लो प्रियांशु मैं तुम्हें बोल रही हूँ इथेनॉल प्योर करके ले आए, तुमने कहा हाँ मैम मैं तो कराया, फिर मैं कहूंगी क्या ये 100% इथेनॉल है, तो प्रियांशु क्या कहेगा, मैम पता नहीं देख लो आप, नो आंसर इज नो, उसमें अभी सिर्फ 95% ही आपका इथेनॉल प्योर हो पाया है, उसमें 5% अराउंड 4.5 कुछ परसेंट अभी भी पानी है। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं आप, जल्दी बोलो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, जो एक अप सर्टेन टेम्परेचर पे ही क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो एक बार मैं पढ़ दूं इसको, तो ये क्या लिखा हुआ है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग लार्जेस्ट लार्ज डेविएशन फ्रॉम द आउटलुक कैन नॉट बी प्योरिफाई बाय डिस्टिलेशन, ए सोल्यूशन एट अ सर्टेन कंपोजिशन विद कंटिन्यू टू बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। बोलो हाँ या ना, हाँ बढ़िया, अच्छा जी ओके ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, क्या आप वो पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं आप लोग लिखेंगे, लिखिए। पहला पॉइंट लिखो, जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ इससे ज्यादा किसी बुक में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रोप्स, पहला पॉइंट ही यही है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, लिखिए बच्चे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रोप्स। सेकेंड पॉइंट लिखो कि जो हम यहाँ पे लिक्विड लेंगे वो कैसा लिक्विड लेंगे, बाइनरी लिक्विड लेंगे। बोलो हाँ या ना, यस मैम, जिसमें यस मैम, बेसिकली आपके दो ही कंपोनेंट होंगे, लिक्विड से ज्यादा बेटर जो वर्ड यूज करूं मैं वो कर लेते हैं हम मिक्सचर, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे बच्चे, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब इसका मतलब कोई मुझे बताएगा क्या मतलब है इसका, जो मैम लिक्विड लिक्विड करने के बाद उसमें में अमाउंट वेपर का भी होगा। देखो मैं बोलू अगर मैं सॉल्यूशन लिक्विड फेज में अगर मैं मोल फ्रैक्शन देखू, मान लो ए मेरे पास कंपोनेंट है, तो जो उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है, हाँ मैं ही रिपीट करूं आयुष, वही क्या होगा वेपर फेज में भी होगा, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है, हाँ बेटा बता रही हूँ ठीक है, यानी कि जो उसका कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होगा जितना, वो उतना ही क्या होगा वेपर फेज में होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं काई भी की, वो भी क्या होगा वेपर फेज और लिक्विड फेज में उनका कंपोजिशन सेम होना चाहिए, तभी ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो है एजियोट्रोप्स आप पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे। बताओ हाँ या ना, यस मैम, ठीक है। फिर लिखो बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है आयुष बच्चा, ठीक है, बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिखो, बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद लिखो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट बाय द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या सिंपल लिख लो कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी प्योरिफाई बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन उनका करना अगर आप चाहते हो कि पूरा प्योर इथेनॉल अलग मिल जाए, पूरा पानी अलग मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। 95% के बाद इथेनॉल बोलेगा भैया और तो मैं प्योर बोलो नहीं होऊंगा। मैं बोल रही हूँ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उसका जो एक कंपोनेंट का अगर जो मोल फ्रैक्शन है जो आपका लिक्विड फेज में होगा, वही सेम क्या होगा आपका वेपर फेज में भी होगा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो अब क्या कर रहा है,
बॉइल कर रहा है। आगे चलू, बाइनरी मिक्सचर का एक बार बता दीजिए। बाइनरी मिक्सचर का मतलब है बेटा, इसमें मैंने दो ही कंपोनेंट लिया है, एक पानी लिया है, एक इथेनॉल लिया है। तो मैं जब भी बात करूंगी मैं दो कंपोनेंट की बात करूंगी, राइट। अच्छा चलो अभी आ गया हो, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, एजियोट्रोप विद मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे मैंने पानी लिया, इथेनॉल लिया, दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ या ना? पानी का आप बोलते हो 373 है एंड इथेनॉल का आप लोग क्या बोलते हो, 351.3 केल्विन है, एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं, ठीक है। तो जब जितना प्योर होना था आपने प्योर कर लिया इथेनॉल को, ठीक है, 95% इथेनॉल और 5% कुछ 4% something जो है परसेंट उसमें पानी रहता है। अब जो दोनों का मिक्सचर है वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, है ना? Yes, ma'am. ये देखना है कि जो वो उनका बॉइलिंग पॉइंट है उनके प्योर कंपोनेंट से ज्यादा है या कम। समझे ना क्या बोला, कि जो कि जिस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो बॉइल कर रहे हैं उनका जो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके प्योर कंपोनेंट से कम है या ज्यादा है, वो देखना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट केस यहाँ पे डिस्कस ये कर रही हूँ, एजियोट्रोप विद मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिनका वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसे वाले कौन से होंगे जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसी होगी, अच्छी नहीं होगी, वीक होगी। अगर वीक होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. नहीं, वो एजियोट्रोप जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसमें कौन से वाले आ जाएंगे सारे? यस कोमल बोलो। हाँ कोमल मैम, एजियोट्रोप वो मिक्सचर है जो कि हमने बॉइल करा था या फिर वो मिक्सचर है जो कि मतलब बाद में बॉइल करने के बाद हमें मिला है? देखो तुमने क्या किया, पानी था तुम्हारे पास और इथेनॉल का मिक्सचर था, राइट? यस, ठीक है। अब तुमने क्या किया, मैंने कहा इसको अलग कर दो, राइट? तो तुमने क्या किया, इथेनॉल को अलग करने की कोशिश की और वो 95% प्योर हो गया, इथेनॉल, ठीक है कोमल? लेकिन अभी भी उसमें क्या है, अराउंड लगा लो 5% पानी है। तो ये क्या है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल रही हूँ, ठीक है। अब जब तुम इस मिक्सचर को बॉयल करोगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ठीक है। तो मैं इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट देखने वाली हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, तो वो कौन शो करेंगे आपका, पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करेंगे, क्लियर है? यस मैम, ठीक है, ओके। तो बस यानी कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवाए थे उस केस में वो एजियोट्रोप्स कौन से होंगे जिनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्लियर है? यस मैम, यस मैम। यानी कि जो आपका पानी और इथेनॉल है वो किस में आएगा, इसी का एग्जांपल होगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसका वो बताऊं बॉइलिंग पॉइंट इसके एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, वो होता है 351.1 केल्विन। आपको याद नहीं रखना है, मैंने भी याद नहीं किया हुआ, आपको भी याद नहीं करना है। इंडिविजुअल कितना था इसका, 373 केल्विन था और इसका था 351.3 केल्विन। तो आप देख पा रहे हो उसके जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, बोलो हाँ या ना? यस मैम, यस मैम। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं एजियोट्रोप विद मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। वो वाले एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है वेपर प्रेशर कम होता है, मैम बिल्कुल ठीक बात है, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आप लोगों को बॉइल करने के लिए, सिंपल सी बात है ना? यानी कि इसमें कौन से सॉल्यूशन आएंगे बच्चे, नेगेटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन? ओके, नहीं नेगेटिव, नहीं बेटा पॉजिटिव वाला तो अभी बताया मैंने, ठीक है। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि इस केस में क्या है, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, बोलो हाँ या ना? यस मैम। का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को लिख के दे देती हूँ, वाटर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3,
ये आपका रहेगा एजियोट्रोप्स विद मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। कितना होता है इसका एग्जैक्ट डेटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लिख सकते हैं ठीक है। ये 68% हो पाता है प्योर और ये 32% ठीक है। इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। इसका जो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो वाटर का तो आप लोगों को पता है ये 373 केल्विन होता है, इसका होता है 359 केल्विन, और जो इसके एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना लिखना है एक बार, 393.5 केल्विन। अब देख पा रहे हो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, जल्दी बोलो, ज्यादा है। वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिनका वेपर प्रेशर तो कम है। अब वेपर प्रेशर कम है मतलब भैया हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना कर लिया एजियोट्रॉप से क्वेश्चन आया, 4 नंबर तुम्हारे हाथ में, इससे ज्यादा फालतू ना मैं करवाऊंगी ना तुम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है मैम? ये याद करना है कि वाटर का कितना मैम प्योरीफाई होता है। ना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मिनिमम वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में जितने भी आपके नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल हैं वो एजियोट्रोप विद मिनिमम वेपर प्रेशर होंगे, और जितने पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उसमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। बस इतना ध्यान रख लोगे वो तो ओके ओके मैम। क्वेश्चन करें फिर, चलो भाई। चलो मैंने ऑलमोस्ट तुम सबको नीट के क्वेश्चंस में साथ साथ करा रही हूँ, तो जब तुम लोग किसी के पास, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ एमटीजी की है वो या शेयर कर दूँ तुम लोगों के साथ? मैम शेयर कर दो, मैम शेयर कर दीजिए, मैं आज ही कर दूंगी रात में 10 बजे के बाद, अगर नहीं की तो याद दिलवा देना मेरे को, मैं शेयर कर दूंगी ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। सॉरी मैम, आप हमसे इतनी दूर होके भी सॉरी बोल रहे हो, हैबिट बन गई ना, करो ना जल्दी ये क्वेश्चन करो। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं भैया, दे क्या रखा है, बिना क्वेश्चन के थ्योरी पानी में चली जाएगी ठीक है। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलती हूँ, थ्योरी पढ़ के ना किसी का भला हुआ है ना होगा जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर लो। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर, पहले तो उसने बोल दिया कि आइडियल सॉल्यूशन है और 1:1 मोलर मिक्सचर है ठीक है। अगर बेंजीन का आप एक्स मोल ले रहे हो, मतलब सपोज 0.5 मोल ले रहे हो, तो टोल्विन का भी उतना ही लेना पड़ेगा, 1:1 मोलर मिक्सचर है, सेम है राइट। रुक जा बेटा रुक जा, एज्यूम दैट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ठीक है भाई, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ये काम कर रहा है ठीक है। आपको वेपर प्रेशर का डेटा दिया हुआ है, बेंजीन का दिया हुआ है एंड टॉलविन का दिया हुआ है ओके, यू हैव टू टेल मी विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट ठीक है। तो हो जाओ शुरू, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलविन, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन ओके, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉलविन। बहुत बढ़िया बात है, क्या क्या जो जितना ज्यादा उतना ज्यादा उड़ेगा, ऐसा देख के किया क्या? यस मैम, लेकिन ऐसे ठीक है, वो तो कर लिया, नंबर तो 4 मिल जाएंगे तुम लोगों को, लेकिन इसको करने का एक तरीका है, सुनो इधर ठीक है, पहले आओ इधर, वेपर फेज में निकालना है ना हमें, चलो ठीक है। तो हमें ये देखो, सपोज मैं क्या करूं, बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है, जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है क्या हुआ बच्चे? हाँ अनुष्का, वो मैं समझ गई मैम, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा उड़ेगा, तो बेंजीन का ज्यादा होगा ठीक है। हाँ तुम टेंशन ना लो, मेरा जो पिछला बैच अभी गया है वो भी ऐसे ही बताया था उसने क्वेश्चन, मैं भी क्रैश कोर्स में करवा रही थी ना, इधर देखो एक बार, लेकिन करेंगे कैसे, वैसे करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना तुम लोगों को। मान लो बेंजीन का मैं मान लेती हूँ मोल फ्रैक्शन 0.5 है और टोल्विन का भी कितना है 0.5 है ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो अगर मैं मान लो टोटल प्रेशर लिखूं तो कैसे लिखूंगी? P not A X A plus P not B X B, ये लिखूंगी टॉलविन और बेंजीन का, ऐसे लिखूंगी। यस मैम। तो टोटल प्रेशर देखना, बेंजीन का कितना दिया हुआ 12.8 इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, प्लस टॉलविन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 3.85 इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। अब आप यहाँ से टोटल प्रेशर निकाल लेंगे ठीक है, तो हम क्या करेंगे वेपर फेज में निकाल लेंगे टॉलविन का कितना कंपोजिशन है, तो कैसे करूंगी, मान लो ये निकाल रही हूँ तो आपको मैंने कैसे दिखाया था टोटल में से कितना टोल्विन का है, टोल्विन का तो बस निकाल लेना
आ जाएगा। तो आप जब ये निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉलविन का कंपोजिशन है वेपर फेज में वो क्या है, कम है बेंजीन से, मतलब बेंजीन का बेसिकली ज्यादा आएगा। तो आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी सी। हाँ सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना तो वही लॉजिक लगाएंगे ना कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका परसेंटेज हाई। हाँ वैसे ये बोल सकते हो, लेकिन ना वैसे इसका एग्जैक्ट तरीका ये है करने का, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि मैम वेपर प्रेशर क्योंकि बेंजीन का ज्यादा है तो उसका वेपर ज्यादा होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा वेपर फेज में ज्यादा होगा। स्मार्ट गैस हो गया ये, और जो मेहनत वाले बच्चे होंगे वो ये करके आएंगे जैसे मैंने सोल्व किया है, ठीक है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, सही तरीका ये। यहाँ पे तो तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन सेम मिल गया है ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मोल फ्रैक्शन उल्टा मिलता ना तो फिर वहां पे हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर हमें देखना पड़ता मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा हो सकता है उसका भी हो वेपर प्रेशर ज्यादा। समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात बोली दीपक ने मैम। अगर लेस वोलेटाइल है तो भी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, यही बोला ना मैंने। Yes, ma'am. लेकिन अभी इसमें क्या, जो जितना ज्यादा तो है ही नहीं, दोनों के दोनों सेम है, राइट। तो उसमें वेपर प्रेशर बेंजीन का कितना है, 12.8 किलो पास्कल। तो हमने ये आइडिया लगा लिया, जैसे आप लोगों ने लगाया कि भैया बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा होगा। लेकिन जैसे अभी दीपक ने एक बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैम अगर आपका जो कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन अलग हो गया तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा ना। यस मैम, तब तो सॉल्व करना पड़ेगा। यस मैम, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलूं जनता पार्टी। यस मैम, चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीट 2020 में हुआ है मैम, हम आम आदमी पार्टी है। अच्छा आम आदमी पार्टी हो, ठीक है। इधर देखो बेटा, अनम्यूट कर लो मेरे को ना, आपकी ऐसा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। दीपक आई थिंक आपकी साइड से आ रहा है बेटा। ये देखना, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव मैम, ए होगा, एसीटोन है इसमें, एसीटोन है इसमें, ठीक है। बाकी देखो जो बाकी स्टूडेंट्स है प्लीज मुझे चैट में आंसर करते रहो। बाकी आप लोग एक काम करो, अपने मुंह से नहीं बोलोगे, सारे चैट बॉक्स में बोलोगे, क्योंकि आप लोग बोलते मैं बाकियों को सुन ही नहीं पाती हूँ बेटा, तो फिर वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या कहा था, याद रखना इथेनॉल है तो उसमें आप क्या बोलोगे, वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये क्या है बच्चे, बेंजीन और टॉलविन आपका आइडियल सॉल्यूशन है, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन इज आल्सो एन आइडियल सॉल्यूशन। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। यस मैम, ठीक है। हमें नहीं पता कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल। परी क्या बोल रहे हो बेटा, हम हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नॉन आइडियल है और कौन सा आइडियल। मैंने कब कराया था ये टॉपिक, फ्राइडे को क्लास में थे बेटा। नो मैम। फिर कैसे कह सकती हो मैम, हमें कैसे पता चलेगा, फ्राइडे की क्लास तो तुमने देखी ही नहीं। कहाँ थी फ्राइडे को मैम, ट्यूशन में थी बेटा। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, अगर ट्यूशन में थी तो आपको पूरे 3 दिन, कल भी मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा कवर कर लेना चाहिए था बेटा, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा परी, ये वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। मैंने पूरा 1.5 घंटा इस पे स्पेंड किया है, आउटलाइन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, तो अगर आप वो देख पाओगी तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगी, पॉजिटिव डेविएशन में क्या चीज होती है, नेगेटिव डेविएशन में क्या चीज होती है, कैसे वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें, ठीक है परी। ओके मैम, ओके आज ही देखना, ठीक है, फ्री होते ही आज ही देखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम करते हैं। अरे तुम लोगों के आंसर भी आने शुरू हो गए, रुक तो जाओ, टेस्ट में देखूंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है। अभी तो ठीक है, तुम लोग आंसर करते रहते हो, टेस्ट में मैं देखूंगी तुम लोगों को, ठीक है, उसमें भी अच्छा ही करना तुम लोगों को। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो आपको बताइए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एस क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन बताना ना, तो डी डेल्टा एस।
ये सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि मैंने कहा था जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। डेल्टा एस मिक्सिंग बच्चे विच इज योर एंट्रोपी रैंडमनेस है ना, ग्रेटर देन जीरो होगा, और डेल्टा एच जीरो होगा एंड डेल्टा वी भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो आंसर इज डी। मम्मी दोनों क्वेश्चन एक ही साल में आए हुए हैं 2019 में। हाँ 2019 में, हाँ दो क्वेश्चन आए हुए। मैं कह रही हूँ ना, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कई बार एग्जामिनर का मन करे तो वो दो क्वेश्चन भी दे देता है। आ गया, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ेरो, मैक्सिमम का मतलब क्या है? मैम आपने अभी ऑप्शन वो पीछे एग्जाम्पल भी दिया था, वाटर प्लस नाइट्रिक एथेनॉल। मैं बोल लूं? ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप का मतलब क्या है? बेसिकली नेगेटिव डेविएशन वो शो करेंगे, ठीक है, जिनका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चे, कम होगा। नीतिका कौन सा है ऐसा मिक्सचर? कोई नहीं बोलेगा, नीतिका इज ऑनली सेइंग, बोलो मैम बी। बी होगा, मेगा ठीक बोला नीतिका ने, बी ही होगा। यस मैम, पक्का? चलो ठीक है। वाटर और नाइट्रिक एसिड किसका एग्जांपल है? नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होगा। और वेपर प्रेशर क्या कम होगा, सॉरी वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, कम होगा। आयुष ठीक है, आयुष आयुष बंसल। यस मैम। हां जी ठीक है, बोलो। हाँ मैम। यस, क्वेश्चन नंबर थ्री सही है ना, अकॉर्डिंग टू यू? सो रहा था मैम, जगा दिया मैंने। गुंजन चुप। हाँ आयुष, हाँ जगे रहो जगे रहो, ये कोई टाइम है सोने का शाम को? मैम वो सो नहीं रहा, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा भाई, तुम लोगों को बड़ी इन्फॉर्मेशन पता है सब लोगों को। चलो आ जाओ आगे, जल्दी आओ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सोल्यूशन ऑफ, तुम बाकी लेक्चर्स में भी ऐसी बीच बीच में बोलते हो या मेरे में थोड़ा ज्यादा ही तुम लोग ऑप्शन? रुक जाओ एक बार मुझे रीड करने दिया करो बेटा, खुशबू मैम गुस्सा भी करती है पता है आप लोगों को। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सोल्यूशन ऑफ टू कम्पोनेंट ए एंड बी, राइट, जो कि क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। परी पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो आपके सोल्यूट और सोलवेंट की जो इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है, सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट के बीच, यानी कि जो सोल्यूशन बनता है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है। अगर परी थोड़ा सा उसको पुश करेगी उनकी दोस्ती टूट जाएगी, और अगर उनकी दोस्ती टूट गई तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका ए मैम, ए है। यस मैम, ए होना चाहिए ना। वेरी गुड, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स आप बोल सकते हैं बिटवीन ए ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन ए एंड बी, इज दैट क्लियर टू? हां जी मैम, पर इसमें पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर लिखा है, तो मैम इसमें डेल्टा एच जीरो नहीं होना चाहिए? नहीं, इसने कहा है कि देखो आइडियल बिहेवियर में तो कोई डेविएशन ही नहीं होता है, तो वो बोल रहे हैं डेविएशन हो रहा है उसके आइडियल बिहेवियर से। अब वो डेविएशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मैम ये नॉन आइडियल के लिए है। हाँ ये नॉन आइडियल पूछ रहे, देखो ना क्या लिखा हुआ है, फिर पढ़ो। दो सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट ए एंड बी, और वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से, है ना। आइडियल में तो देयर इज नो डेविएशन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, है ना, तो यही बोल। यस मैम, बस यही बात बोली जा रही है यहाँ पे। आगे चलो। यस मैम। यस मैम। चलो बात, ये दो क्वेश्चन है, देन विल स्टार्ट आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो चैट बॉक्स में बोलेंगे आप, प्लीज चैट बॉक्स में बोलेंगे। हाँ ओके, आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट पूछा है मैम डेल्टा जी मिक्सिंग, बिल्कुल बढ़िया। डेल्टा यू क्या है बच्चे? डेल्टा यू आप डेल्टा वी कंसिडर इसमें कर सकते हो, बोल लो। वैसे ये इनको यू नहीं देना चाहिए था, यू यहाँ पे वैसे देखा जाए इंटरनल एनर्जी को दिखाता है। yes, वो भी क्या होगी, जीरो ही होगी आइडियल गैस के लिए। अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आइडियल गैस के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो भी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी बेसिकली वॉल्यूम की बात करना चाह रहा था। ठीक है, और जो चेंज होता है प्रेशर में वो क्या होगा,
ये तो आप लोगों को पता ही है, जो आप ऑब्जर्व करते हो और जो आप रॉयल फ्लो से कैलकुलेट करते हो उसमें कोई चेंज नहीं आता, जीरो होता है। लेकिन डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, ठीक है। कौन कौन बच्चा है यहाँ पे? अजरा ठीक है बेटा, गायत्री ठीक है, लक्ष्मी यस मैम, लक्ष्मी बढ़िया, नितिका, प्रभजोत, प्रभजोत लेट आए बेटा आज, श्रेषी, वंदना, राधिका, प्रियांशु, यस मैम, बढ़िया चल रहा है, यस मैम, ओके, अजरा, अर्चना, अनुष्का, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका नाम ना लियो, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैम डेल्टा वी मिक्सिंग तो जीरो होता है, ये गलत है। आपने तो बताया था कि एंट्रोपी जो होती है पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। तो आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। यस मैम, यस मैम। चलिए हम अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं जनरली बात कर रही होंगी बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन की, यू नो ना डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें बेसिकली कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूट की वो कम होती है। स्पैम भी करना तुम लोगों ने शुरू कर दिया है, गुड। तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, पानी है, मेरे पास पानी है तो मैंने उसमें नमक के कितने सोल्यूट घोले हैं उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। कौन है कैसा है उसको कोई लेना देना नहीं है, कौन है कैसा है उसको लेना देना नहीं है, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। अच्छा yes, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो उसके मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करती है, एक ही तो बात है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यही तो बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं मेरे पास वन मोल ग्लूकोज है, मान लो मेरे पास वन मोल ग्लूकोज है और एक मोल है मेरे पास यूरिया, एक मोल क्या बच्चा यूरिया, सॉल्वेंट आपका पानी रहेगा, सॉल्वेंट आपका पानी ही रहेगा, तो मुझे बताओ इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होंगी मैम, डिफरेंट होंगी। कैसे डिफरेंट होंगी बेटा? मैम सेम, मतलब क्या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा ना। हाँ लेकिन यहाँ पे देखो ना, मैंने ग्लूकोज और यूरिया लिया है, ग्लूकोज और यूरिया क्या बेचारे डिसोसिएट होते हैं क्या? नो मैम। तो फिर क्या बताओ, करेगा क्या डिपेंड? नहीं करेगा, यही तो बोल रही हूँ। अब समझे, सिर्फ डेफिनेशन को रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। देखो तो सही मैम ने लिखा क्या हुआ है, एक मोल ग्लूकोज ले रहे हो, एक मोल यूरिया ले रहे हो, यहाँ पे तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहने वाला है, यूरिया यूरिया ही रहने वाला है, बोलो हाँ या ना। यस मैम, यस मैम। तो ध्यान रखना बच्चे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल, अब वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, वो तुम्हारे आयंस हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड करती है, या यू कैन ऑल्सो से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या आप लोगों को दिख रही है, मैं अलग से मेंशन करूं? मैम दिख रहा है, और आप ध्यान रखेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। किसका मोलर मास? सोल्यूट का, यानी कि जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली पढ़ने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अगर मान लो आपको किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसका मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये मैम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप बोल तो रहे हो, ऐसी कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़नी है?
तो आपके पास चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. फर्स्ट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. आप लोगों को पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोगों को दे दिया जाता है कि बताओ इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, जिसमें आपको ऑप्शन में क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो आपका आंसर क्या होगा उसके इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसने जो ये बाकी दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट is not a colligative property, elevation boiling point is a colligative property, depression in freezing point is a colligative property. जो किस पे depend कर रहे हैं, number of solute particle, मतलब अगर आप solvent में solute डालोगे तो आपने कितना solute डाला है, वो इन सारी colligative properties को क्या करेगी, effect करेगी कि उसका boiling point में क्या आता है change, उसके vapor pressure में क्या change आता है, उसके freezing point में क्या change आता है and उसके osmotic pressure में क्या change आता है. जब आप सॉल्वेंट में कोई क्या डालोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे. नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जिसकी टेंडेंसी नहीं है, हम ये मान के चलेंगे जिसकी टेंडेंसी नहीं है उड़ने की. Yes, ma'am. समझ रहे हो, जो वेपर नहीं बना रहा है, जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा, लेकिन कितना किस प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू एड इनटू दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम. कि मैं चाहती हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए इसमें हमें पहले समझना जरूरी है कि पढ़ कैसे रहे हैं चीजों को, क्योंकि अगर आपने पढ़ ली चीजों को, समझ लिया, तो बाएं हाथ का खेल है न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल मैं करा दूंगी, टेंशन मत लो. एंड फ्राइडे को आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, क्योंकि कल मैंने आप लोगों की क्लास नहीं ली थी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैम. हाँ, 1.5 आवर या एक घंटे की लूंगी, डिपेंड करता है कि अपना कितना पूरा चैप्टर, अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी, अगर मान लो पूरा चैप्टर हो जाता है तो मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी. मैम आप कल की क्लास का रिवीजन करवाओगे? मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी. हाँ कोमल, मैं पूरा करवाऊंगी. ओके मैम. एक्चुअली कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी कुछ काम की वजह से, तो मंजीत सर ने आप लोगों की क्लास ली थी, तो लेकिन वो टॉपिक, क्योंकि उन्होंने तो आई थिंक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरी कंप्लीट करा दी है उस क्लास में, लेकिन मैंने तो आज स्टार्ट ही कराई है, तो मैं आप लोगों को दोबारा से वो करवाऊंगी. ठीक है? यस मैम. ओके, सबसे पहले है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ध्यान से सोचना इस चीज को, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. कम हो रहा है, यानी कि जब तुमने सॉल्वेंट में क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, जिस जो उड़ने की टेंडेंसी नहीं रखता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया. बार बार ये लाइन हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिपीट करूंगी कि पहले आपका, आपने एक बीकर में सॉल्वेंट लिया हुआ था, ऊपर से लगा दे तुमने ढक्कन, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, तुम्हारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा. ठीक है, सरफेस पे आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो वोलेटाइल है ना, वेपर फेज में आने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने उसमें नॉन वोलेटाइल डाला, नॉन वोलेटाइल कौन से, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे क्या है आपके, नॉन, जो भैया उड़ते हैं, मैं तो उड़ूंगा नहीं, ना मैं उड़ूंगा ना मैं दूसरे को उड़ने दूंगा, है ना. तो ये सॉल्वेंट में क्या करते हैं, आके बैठ जाते हैं, बैठने की वजह से क्या कहते हैं बेचारे, जो पानी के, अगर मैं सॉल्वेंट यहाँ पे पानी ले लेती हूँ, जो मजे से उड़ रहे थे, अब ये उनको भी उड़ने नहीं देगा, अब ये उनको उड़ने नहीं देगा, तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा खत्म, मतलब खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा. क्लियर है? अच्छा, देखते हैं कैसे रिलेटिव लोविंग और वेपर प्रेशर का मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन बता देती हूँ. पेपर में नहीं आएगा एक्सप्रेशन, फिर बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट में फॉर्मूला करेंगे, बिकॉज आप नए नए बच्चे हो, नया नया चैप्टर है, नया नया जोश है, तो जोश है तो हम इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी पेपर में नहीं आएगा, ना बोर्ड्स में आएगा, और कॉम्पिटिटिव में तो भैया कोई पूछेगा ही नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, रोल्ट लॉ बोलो, राउल्ट लॉ बोलो, जो भी तुम लोग बोलते हो, उसने क्या बोला था,
उसने ये बोला था जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ जैसे ए सॉल्वेंट है और बी तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान रखना मैं जनरली जो बी यूज करूंगी वो सॉल्यूट के लिए यूज करूंगी। हम दोनों अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि कुछ भी मैम जब भी ए यूज करेगी तो वो सॉल्वेंट के लिए यूज करेगी, बी यूज करेगी तो सॉल्यूट करेगी। तो राउल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जल्दी बोलो। यस मैम। फिर मैंने क्या प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने P नोट A कर दिया था और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि ये P नोट A है ना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और मैंने ये बताया भी था कि ये आया कैसे। अगर किसी स्टूडेंट को दोबारा डाउट हो गया ये आया कैसे था, आप लोग नोट्स रेफर करें उसको देखें, दोबारा दोबारा रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। जिसको क्लास में समझ में आ जाता है रिकॉर्डिंग बिल्कुल देखने की नीड नहीं है, इतना टाइम नहीं आपको वेस्ट करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे अपना फोकस करना है। लेकिन मान लो क्लास में कई बार ऐसा होता है कि क्लास में तो हो सकता है चीज समझ में आ गई हो लेकिन जब आप पढ़ने लगते हो तो दोबारा माइंड से स्किप हो जाता है, उस केस में आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो आप मुझे ये बताओ सोल्यूट डालने के बाद कितना चेंज आएगा वेपर प्रेशर में, मैं क्या लिखूं पी नोट ए माइनस पी ए लिख दूं? पी नोट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और पी ए क्या था जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला उसके बाद जो उसका वेपर प्रेशर हुआ दैट इज विच इज पी ए। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब मैं क्या करूंगी, इधर देखना बच्चे, पी नोट ए माइनस पी ए की ये वाली वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, पी नोट ए का ये। बोलो हाँ या ना? यस मैम। कॉमन ले लेंगे। हाँ जी जी कॉमन लेंगे बेटा, कॉमन ही लेंगे, पी नोट ए वन माइनस का ए। बोलो हाँ या ना? यस मैम। मैम इसमें का ए की वैल्यू रख देंगे। दोबारा बता दो ये डेल्टा पी प्रियांशु, क्या हुआ प्रियांशु बेटा? मैम ये कैसे आया पी ए नोट ए माइनस पी ए, ये वाला चेंज? ठीक है, जैसे मान लो एक मिनट समझान दो प्रियांशु, पहले तुम्हारे पास सॉल्वेंट था बेटा, ठीक है? यस मैम। ओके, उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो पूरा सॉल्वेंट की वजह से आएगा, मैंने मान लिया पी नोट ए है उसका वेपर प्रेशर, है ना, क्योंकि मुझे डिनोट भी करना है। फिर तुमने क्या किया सॉल्वेंट में क्या डाल दिए भैया, छोटे छोटे सोल्यूट के पार्टिकल भी डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसको मैं बोल रही हूँ। Yes, अब क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नोट ए तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, तो मैंने उसको क्या मान लिया पी ए। ऐसे ही निकालोगे ना पी ए, तो चेंज आपको निकालना है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद उसमें चेंज कितना आया। मैम मैं पहले प्योर का कितना था उसमें से मैंने माइनस कर दिया जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद मेरा वेपर प्रेशर हो गया, तो चेंज आ गया ना। यस मैम। क्लियर? चलो, कोई ऐसा है जिसको डेल्टा पी वाली टर्म क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाली है। आई होप कि आ गया होगा सबको। ठीक है, जिसको हेजिटेशन होती है क्लास में मेरे से आप अलग से भी पूछ सकते हैं, मतलब आप मैसेज कर देना मेरे को अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन मेरी क्लास में सारे बच्चे ही इक्वल हो। मैं ये नहीं कहती किसी को ज्यादा आता है किसी को कम आता है, नहीं, अगर सब पढ़ रहे हो तो सब इक्वल हो, डिपेंड करता है कि आप अपनी साइड से कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, बस फर्क इतना ही है दो बच्चों में, एक क्लास में, दोनों क्लास में आ रहे हैं, दोनों मेरे लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन एक बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है एक बच्चा नहीं करता, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है वो ऑलरेडी रेस में आके चला जाएगा, इतना डिफरेंस। मैम इसे पी भी ले लो ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। किसको पी भी ले लूं? नहीं बेटा पी ए ले ले, है ना, मैम पी ए से इजी रहेगा ना, क्योंकि मैंने हैबिट मेरी यही बनी हुई है, है ना, तो अब मैं चेंज करूंगी तो हो सकता है मैं ही कंफ्यूज हो जाऊं। ठीक है चलो, अच्छा वन माइनस काई ए को क्या लिख सकती हूँ, आपको पता है काई बी प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस काई ए हो जाएगा मैम काई बी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई बी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है चलो, एक बार इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख देती हूँ, डेल्टा पी क्या आया बच्चे, पी नोट ए इंटू काई बी आया, है ना। अब क्या करूं मैं, डेल्टा पी को क्या लिख लूं? ऐसे लिख लूं पी नोट ए में नीचे ले आऊं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, डेल्टा पी इज व्हाट, चेंज कितना आया आफ्टर द एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन पी नोट ए माइनस पी ए। पी नोट ए माइनस पी ए।
कौन पी नोट है। ओके, और ये क्या आया काई बी, यहाँ ने की, यहाँ से आपको क्या दिख रहा जो ये वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। यही तो मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालोगे वही डिपेंड करेगा कि कितना वेपर प्रेशर तुम्हारा कम आएगा। जितना ज्यादा पानी में सॉल्यूट डालते जाओगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो आप डिराइव कर रहे हो फॉर्मूला उसमें हर एक टर्म का क्या मीनिंग है। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जैसे पी नोट ए माइनस पी ए क्या है आपका, ये है आपका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है। वीपी से समझ जाओगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, पी नोट, अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोट ए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि रिलेटिव क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। क्या ये क्लियर है? यस मैम, यस। काई बी क्या है बच्चे, काई बी इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। एक मिनट रुको मुस्कान, इधर जो सॉल्यूट, यस यस यस, नॉन वोलेटाइल है बेटा, जो उड़ नहीं पा रहा है ना, क्योंकि उसी की अमाउंट डिपेंड करेगी ना कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत मजेदार है, अरे सॉल्यूशन चैप्टर इतना इजी है, तुम्हें दिख ही गया होगा, पूरा चैप्टर खत्म होने की कगार पे है भाई, है ना। यस मैम, यस मैम, बस पढ़ते जाओ, जितना करा रही उतना सफिशिएंट है। चलो इक्वल एग्जाम की तैयारी तरह लग रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। अभी तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट वाला कराऊंगी, तो उसमें तुम्हें कुल्फी वाला एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, तब और ज्यादा तुम शोर मचाओगे फिर। चलो इधर देखो, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए बेटा, काई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सोल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो आपका बी है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि वो सोल्यूट के मोल है, और ए जो है सोलवेंट के लिए कर रही हूँ, राइट, ठीक है। अच्छा डायल्यूट सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूँ, एन ए बहुत ज्यादा हो जाएगा, एन भी नेगलेक्ट हो जाएगा, मैं इसको एन बी बाय एन ए लिख दूं, नेगलेक्ट कर देंगे ना आप। यस मैम, अच्छा ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखूंगी, गिवन मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। याद करो वो दिन, याद करो वो पहला दिन, नंबर ऑफ मोल्स, मैम एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, हाँ लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। एन बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, और एन ए क्या हो जाएगा बच्चे, डब्ल्यू ए बाय एम ए। यानी कि अगर मैं पूरा ओवरऑल फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रही हूँ पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए, पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी, एम बी इंटू में डब्ल्यू ए इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। ये है आपका फॉर्मूला जो आप रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल में इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ध्यान से देख लेना बच्चे, जो डब्ल्यू बी है, ये ब्लू वाले से दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं दिख रहा है, मैम थोड़ा डार्क ले लीजिए, मैम रेड ले लो, रेड ये दिख रहा है, यस मैम, ठीक है मैम, चलो ठीक है, क्योंकि ना थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, पता चले सिर्फ येलो और रेड ही चलाई जा रही हूँ मैं, है ना, ठीक है। डब्ल्यू बी क्या है बच्चे, वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, वो आपको दिया सॉल्यूट, जैसे मान लो तुम 5 ग्राम यूरिया ले रहे हो, है ना, या 5 ग्राम ग्लूकोज ले रहे हो, वो आपको गिवन होगा, राइट। अच्छा एम बी क्या है बच्चा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू ए क्या है बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट है कितने में घोला वो भी देना चाहिए उनको, मास ऑफ सॉल्वेंट। और जो आपका एम ए है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है तो एम ए क्या हो जाएगा आपका, 18 ग्राम हो जाएगा। इज दैट क्लियर, जल्दी बताइए। यस मैम,
एक बार जल्दी से निहारो इस फॉर्मूले को, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी इसके। जल्दी निहारो, 21 के 21 बच्चे निहारो। आज 5 बच्चे गायब है, मनीषा तो वहां गई हुई है, मीनाक्षी मनीषा जो भी नेम है उनका। डायमंड क्लियर, ओहो मैंने तो क्रिस्टल क्लियर तो बच्चे बहुत बोलते, डायमंड क्लियर हो गया यार, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया मैम की, मैम के लिए। ठीक है ओके, निहार लिया फॉर्मूले को मैम? यस मैम। हाँ बेटा मैम, ये जो NB by NA is equal to WB into, एक बार प्लीज ये एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा किसने बोला, परी ने। परी, हमने नंबर ऑफ मोल्स देखे थे 11th में भी देखे थे एंड क्लास उसमें yes. हंसोगे नहीं, एक तो जो तुम ये लोग हंसते रहते हो, भगवान जाने क्या बातें होती है जो तुम हंसते हो अपने अपना, और बातें भी नहीं कर रहे हो हालांकि, एक दूसरे के सामने भी नहीं बैठे हो फिर भी हंसी आती है तुम लोगों को, आई रियली डोंट नो। हाँ परी देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना, ठीक है। तो एनबी क्या होगा, गिवन मास, तो द डब्ल्यू बी है वो क्या दिखा रहा है, सोल्यूट का मास जो तुम्हें दे रखा होगा। जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुमने मान लो लिया है 100 ग्राम पानी लिया है, उसमें तुमने 5 ग्राम यूरिया डाला है, तो वो 5 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूट का मास हो जाएगा, ठीक है। एमबी क्या है, मोलर मास, और यूरिया का कितना होता है, 60 होता है मोलर मास, वो पुट करोगी वहां पे, ठीक है। एमए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मान लो तुम्हें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, अगर पानी है तो पानी के लिए मोलर मास क्या हो जाएगा, परी 18 ग्राम हो जाएगा, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया है, कितने में डिसॉल्व किया सॉल्यूट को यानी कि यूरिया को, वो आप वहां पे पुट करोगे, तो इससे आप क्या निकालोगे कि कितना वेपर प्रेशर में क्या हुआ, वो कितना कम हो गया आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी क्लियर है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, हाँ आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करो, थोड़ा बेटा सीरियसली लेना चीजों को, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। The vapor pressure of acetone at 20 degree Celsius is 185 bar. क्या बोल रहा है ये? मैं साथ में लिखते हुए जा रही हूँ, आप लोगों को ऐसे ही अप्रोच करना है सारे सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे आप। क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, तो मैं लिख लेती हूँ कितना है प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर, 185 bar. Yes, ma'am. फिर वो कह रहे हैं व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल, उसने नहीं बताया है कौन सा है, कोई भी है, हमें क्या करना, ठीक है। तो यानी कि WB कितना है बच्चे, 1.2 ग्राम है, ठीक है। ये क्या है, इतने सॉल्वेंट में कितना 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो परी किस क्या होगा बच्चे, ये WA होगा। यस मैम, बहुत बढ़िया। वेपर जब आपने 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल डाला, क्या डाला, सोल्यूट डाला इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, तो वेपर प्रेशर कितना था, 183 bar, यानी कि किसका हो गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। पीएस yes. लिख दूं, पीएस लिख दूं, चलेगा? यस मैम, ठीक है। आपको बताना है मोलर मास, बस जल्दी से फॉर्मूला लगाओ एंड हो जाओ शुरू। कैसे, ये समझ में आया ना? पीएस किसको समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड। पीएस किसको समझ में नहीं आया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 183 हो गया, जब आपने 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका जो वेपर प्रेशर हो गया, यानी कि किसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 183। तो लगाओ फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस, यहाँ पे पीए ले लो या पीएस ले लो, मैं अभी पीएस ले लेती हूँ, ठीक है। डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ए ऊपर आ जाएगा एम में, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो पी नोट कितना है बच्चे तुम लोगों के पास, दीपक कितना है पी नोट, 185। ठीक है, और सॉल्यूशन का कितना हो गया आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल, 183। सॉल्यूट का मास 1.2 ग्राम, यूनिट को साथ लेके चलना, नहीं तो अगर तुमने यूनिट का साथ छोड़ दिया वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी, ठीक है। मोलर मास मुझे नहीं पता है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का कितना लिया, कितने में डाला, 100 ग्राम में डाला, और 100 ग्राम, ओके। अब आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा सॉल्वेंट का, यानी कि एसीटोन पता होना चाहिए, एसीटोन क्या होता है, वरना तो गया ये क्वेश्चन, वरना तो गया ये क्वेश्चन। सॉल्वेंट का कितना होता है एसीटोन, अब यहाँ पे एसीटोन है तुम लोगों का सॉल्वेंट, तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, निकालना कितना आएगा, स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया, 58 आ जाएगा। 58
58.08 ग्राम पर मोल। देखो बच्चे ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो जो तुम्हारा सोल्यूट का मोलर मास आएगा वो किसमें आएगा? 64 आ रहा है, पर मोल सबका 64। मैम 63 पॉइंट कुछ आ रहा है तो उससे मैम 4 ही हो जाएगा, वो 64.38 आएगा। यस मैम, डी ऑप्शन आ जाएगा। 62 आ रहा है। अब सिर्फ 62 तो नहीं आएगा बेटा, देखो इसके आसपास ही आएगा, 64 के आसपास। हां मैम 64 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, अब वो वाला स्टूडेंट हैंड रेस, एक मिनट चुप हो जाओ, वो वाले स्टूडेंट हैंड रेस करो जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ। सॉरी, हो गया एमडी जुनेद बेटा, अब लीव कहाँ हो गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, करें स्टार्ट। यस मैम। ये 2018 में मैम 70.8 आ रहा है। क्या हुआ बेटा मुस्कान? मैम 71 किसका 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 आ रहा बेटा? 71 पहले वाले का या इस वाले का? मैम पहले वाले का। नहीं बेटा 64 आएगा आंसर। एक काम करना, दोबारा निकाल के देखना घर पे, ठीक है? मैं सिर्फ आपको यहाँ, मैं सिर्फ क्लास में आपको अप्रोच बता सकती हूँ कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है? कैलकुलेशन वाला काम आप पे छोड़ती हूँ इस विश्वास के साथ कि सीख लोगे, है ना? चलो आगे चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, है ना? अभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतनी सारी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ही कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो जाओगे। आगे आओ बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैम? जो ब्रेकडाउन मैम, जो डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है? जो क्या होते हैं? डिसोसिएट नहीं होते हैं। उसका मोलर मास वो बोल रहा है 50 ग्राम पर मोल, यानी कि उसने नहीं बताया कौन सा सोल्यूट लिया, सिंपल बोल दिया कि जो एमबी है वो कितना होगा? 50 ग्राम पर मोल। बोलो हाँ या ना? यस मैम। द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जिसका मोलर मास इतना है, नीडेड टू बी, कितना चाहिए टू बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी कि सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है मास? 114 ग्राम दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना? सॉरी डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी हमें नहीं पता, क्योंकि यही हमें बताना है कि भैया कितना चाहिएगा, ठीक है? और वेपर प्रेशर कितना हो रहा है रिड्यूस होके? 75%, मतलब रिड्यूस होके 75% हो गया है, यानी कि क्या हो गया है बताओ? पी नोट माइनस पी एस, एक मिनट रुको, कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, यानी कि पी नोट माइनस पी एस कितना है? 75% है। बोलू हाँ या ना? समझाऊ क्या? मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा 100% है, ठीक है? उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो इतना हो गया, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू, इतना पहुंच गया, ठीक है? तो पी नोट माइनस पी एस कितना है यहाँ पे, जल्दी बताओ? 75%। इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले तो मुझे बताओ समझ में आया कि वाई पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू 75%? मैम आ गया। यस मैम। सभी को, झूठ तो नहीं बोल रहे? मैम आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? फॉर्मूला लिखूं? तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था ये, ठीक है? तो क्या होगा? डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ए ऊपर एम में चला जाएगा, है ना? पी नोट क्या है मान लो, कितना दिया हुआ है? 75, नीचे क्या होगा? 100, है ना? क्योंकि मैं क्या मान के चल रही हूँ कि पहले कितना था? 100। मैम इसे 3/4 भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ लिख लो बेशक, ठीक है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट मुझे नहीं पता, मोलर मास ऑलरेडी उसने दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल, डब्ल्यू ए दिया हुआ है 114 ग्राम, मोलर मास लेना है सॉल्वेंट का, तो ऑक्टेन का मोलर मास कितना आएगा निकाल के देखना। मैम 14.12 आएगा। यू नो ना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑक्टेन? पता है ना, 8 कार्बन C8H18। हाँ C8H18,
ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताओ कि डब्ल्यू बी कितना आएगा। मैम 150 ग्राम 37.5 मैम 37.5 आएगा पक्का, इतना ही आ रहा है। नो मैम 150 आएगा, एक बार फिर चेक करो ना। मैम ये वाला नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें डाइल्यूशन वाला से गलत आ गया। हाँ अच्छा, हाँ एक सेकेंड रुको, मैंने क्या किया ये वाला। अच्छा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल, एक काम करो एक सेकेंड रुको, बहुत अच्छी चीज है, मेरे भी माइंड से स्किप हो गया था बताना। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 37.5। यस मैम, यस मैम। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपको इसका निकालना है मास और सोल्यूट तो आप ये वाला नहीं लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इधर देखिए सारे पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट एन बी बाय एन बी प्लस एन ए लगाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि आपको अब क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट लगाना है, निकालना है। अगर आप ये वाला लगाओगे तो ही आप वहां पे एग्जैक्ट आंसर लिख पाओगे, ठीक है। अगर मोलर मास निकालना होता तो हम मजे से वो निकालते, बट यहाँ पे आपको मास निकालना है तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू बी बाय एम बी प्लस डब्ल्यू ए बाय एम ए निकाल पाओगे। यस मैम, तो डब्ल्यू बी की यहाँ वैल्यू पुट करो, हमें नहीं पता है, एम बी की वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू ए की वैल्यू पुट करो और इसका आंसर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। निकाल के देखो और मुझे कन्फर्म। हाँ मैम आ रहा है, मैम आ रहा है 150 आ रहा है, खुद का आ रहा है। यस मैम, ओके। तो ये क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट था। इसमें दो चीजें थी, एक तो ये वाली चीज ध्यान रखनी थी आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे मास और सोल्यूट निकालना, ध्यान रखना जब मास ऑफ वो सोल्यूट बोलेगा तो आप एन बी को नेग्लेक्ट नहीं करके आएंगे। दूसरी चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू, इस टू का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा इसका यूज है। एक बार फिर देख लो बेटा, वो ये बोल रहा है कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जिसका मोलर मास उन्होंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, कितने में डाला, 114 ग्राम ऑक्टेन में डाला, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो उसका जो वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड होके कितना पहुंच गया, 75%, मतलब जो लेफ्ट अमाउंट है वो कितना रह गया, 75% रह गया। यानी कि अगर पहले 100 था तो उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया होगा, 25 हो गया होगा, तो 100-25 यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है, 75% हो गया, कितना प्रेशर में कम हुआ, लो ब्रिंग 150 आ गया, हुआ 75% होगा, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना था, फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ जाएगा। बोलो पल्ले पड़ा। यस मैम, यस मैम, ओके पल्ले पड़ चुका। उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत बहुत इजी है। अच्छा यहाँ से एक और चीज क्या पता चली तुम लोगों को, कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखो एक बार, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो लिखो यहाँ पे, मेरा तो स्पेस नहीं है, गायब हो रखा है, तो आप लिखो जो आर एल वी पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के, लिखो इसको, बहुत काम की चीज है, अभी तो लग रहा होगा सिंपल है, बड़े काम की चीज है, समझे कि नहीं समझे। मैम रिपीट करना सर, आई एम सेइंग कि जो आपका आरएलवीपी है व्हिच इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मुझे इस फॉर्मूले को यहाँ पे देख के ये पता लग रहा है कि जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि जितना ज्यादा सोल्यूट का मास होगा उतना ही जो आरएलवीपी है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैम ये तो आपने पहले बता दिया था ना। हाँ दोबारा कह रही हूँ, लिखो इसको, है ना, और एक बार जल्दी चैट बॉक्स में भी लिख दो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देन फिर हम आगे मूव करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन। मैम इसकी चारों प्रॉपर्टी करनी है ना, कौन सी चारों प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव वाली। यस मैम, हाँ अभी आज तो यही हो पाएगी बेटा, एलिवेशन वाली। ओके मैम, ठीक है लिख दिया सबने, स्पैम करो दीपक साक्षी सारे लिखो जितने भी यहाँ पे 22 बच्चे हो, जल्दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है लिखो लिखो लिखो।
अच्छा चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, वर्ल्ड पॉइंट का इंक्रीज होना। हाँ तो यहाँ पे मैं एक चीज लिखू बताओगे? सोलवेंट में मैंने डाला नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोलवेंट में मैंने डाला नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिससे मेरा वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बस सिंपल, लेकिन इसको अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो मुझे कौन बताएगा? नीतिका बेटा मुझे ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। जब मैं तुम कोई भी टीचर अगर तुम्हें ये बोले नीतिका कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दो, तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्या बताओगे? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकमिंग इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी कोई बताना चाहेगा? गुंजन जी बताना चाहोगे? व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर किसका? मैम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात करूं, मान लो सॉल्वेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, सपोज मैं मान के चलूं पानी है, पानी ध्यान से सोचना, थोड़ा सा फील लेना, देखो ऐसे फिर मजा नहीं आएगा। पानी है, पानी मैं कहती हूँ कि पानी को थोड़ा गर्म कर दो, या इससे भी पहले वाली स्टेज लेते हैं, पानी है ठीक है, मान लो तुमने पानी का ग्लास लिया हुआ है, उसकी टेंडेंसी तो है ही उड़ने की, तो थोड़े थोड़े वेपर तो वो बना रहा है, लेकिन उसका इतना वेपर प्रेशर नहीं है कि वो बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए और भैया रूम टेम्परेचर पे बोल हो जाए, नहीं होगा ऐसे। आप लोगों को उसको हीट करना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, उस पानी के बाउल को क्या करने लग गए आप, गर्म करने लग गए, है ना। तो गर्म जैसे ही करने लगे उसके वेपर बनने शुरू हो गए, वेपर बनने शुरू हो गए, जैसे ही बनने शुरू हुए अब बाहर बाहर से भी क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो जो बाहर से प्रेशर लग रहा है जिसको आप एटमोस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हो, तो प्रेशर कैसे लगाएगा उन पे जो वेपर बन रहे हैं, है ना, जो गैसेस फेज में आ चुके हैं, ऐसे से प्रेशर लगाएगा उनको, बोलो हाँ या ना। एटमोस्फेरिक प्रेशर लगाएगा जो सॉल्वेंट के वेपर बन रहे हैं, तो लेकिन जैसे ही वो उसके बराबर आ गए, उससे थोड़ा सा ऊपर निकल गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, आपका लिक्विड क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। जनरली हम क्या बोलते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मतलब बोलने में तो बहुत सही लगता है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उससे थोड़ा सा ज्यादा पहुंचेगा, तब जाके वो क्या होता है, बॉयल होता है। लेकिन बोलने में हम क्या बोलते हैं कि द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड जो होता है वो बॉयल हो जाता है। समझ में आई ये वाली चीज? फील आई थोड़ा सा? यस मैम। फील आई तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो बात होगी तुम्हारे पानी की, लेकिन अब वही है, पानी में मैं डालूंगी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो उड़ना नहीं चाहता है ना। तो मैं भी, मैं आपको पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये समझा के आई हूँ कि जब तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो जो ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी कि कम होने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर और कम हो गया, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए थोड़ा और बॉइल करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, टेंशन मत लो, मेरे को और बॉइल करना पड़ेगा, यानी कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जो मेरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा था, अब मेरा सॉल्यूशन उससे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कर दिया कम, अब और पीछे हो गया, अब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए मुझे उसको और हीट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो फटाफट से जो यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है वो जल्दी से पढ़ डालो और मुझे एग्री करो कि मैम यस समझ में आ गया है, जल्दी से पढ़ो, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Further, the vapor pressure of liquid is generally lowered upon the addition of non-volatile solute to it. Right? Second point, वो ये बोल रहा है, the boiling point of solvent is elevated. Elevated मतलब अभी बोला ज्यादा ही होगा by addition of non-volatile solute. Third point, वो बोल रहा है जो ये difference आया कि solvent जब था तब कुछ और था,
सोल्यूट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो गया, तो दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखो इधर आओ, क्या आप सबको दिख रहा है ये ग्राफ? यस मैम। यस मैम। कई कई बुक में ये सॉल्वेंट का ग्राफ यहाँ से बना रखा होगा, मेरे यहाँ पे जो मैंने ये लगाया हुआ है वो यहाँ से जा रहा है ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है। इधर देखो, मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ बच्चे, वो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, है ना। तो जब मेरे पास सॉल्वेंट था, तो आप लोग देख पा रहे हैं सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर मेरा ये है, आप लोग देख पा रहे हैं, और ये मैं मान के चल रही हूँ ये आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, आपका जो लिक्विड है वो क्या करेगा, बॉइल करेगा। मान लिया वो लिक्विड तुम्हारे पास पानी है, राइट। लेकिन जैसे ही तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो देखो उसका जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो क्या हो गया, कम हो गया। बोलो हाँ या ना। जो पहले आपका सोलवेंट, जो पहले आपका सोलवेंट इस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा था, अब उसको भैया और हीट करके आपको यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, देख पा रहे हो, बढ़ गया है सॉल्यूशन के केस में। तो टीबी क्या है आपका, जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बोलो। और ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ टीबी, नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, बोलो हाँ या ना। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा टीबी है। हाँ, पहले एक करके बोलो, पहले किसने बोला था मैम, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। बेटा वेपर प्रेशर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वैसे तो। यस मैम। क्या बोल रही हूँ मैं, डोंट बी कंफ्यूज, मैंने ये बोला जैसे ही तुमने सोलवेंट में डाला, ध्यान से सुन लो फिर मैं बोलूं, सोलवेंट में डाला क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, वेपर प्रेशर हो गया कम। बोलो, जो तुम्हारा यहाँ पे सॉल्वेंट बॉयल करने लग गया था, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ था, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया था, इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो गया था, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू। लेकिन जैसे ही तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम किया, यानी कि आपको उसको थोड़ा अब और हीट करना पड़ेगा यहां तक लेके जाने पे, क्योंकि जब वो यहाँ पे आएगा तभी वो बॉइल करेगा सॉल्यूशन, अदरवाइज वो नहीं करेगा। यानी कि क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। जो पहले आपका सॉल्वेंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद अब वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा टीबी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। बढ़िया, थम्स अप। फिर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखवाती हूँ, 10 मिनट में इसका एक्सप्रेशन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल जो बच जाएगा वो कल देखेंगे। तो यानी कि जो डेल्टा टीबी है बच्चे, वो क्या लिखूं मैं, टीबी माइनस टीबी नोट, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो जो डेल्टा टीबी देखने को मिला एक्सपेरिमेंट से, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखने को मिला, मोलैलिटी के, मोलैलिटी के। मोलैलिटी भी क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन है, कितना सोल्यूट डाला। ठीक है, अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी तो बच्चे यहाँ पे क्या लगाऊंगी, केबी लगाऊंगी, कॉन्स्टेंट। अब केबी क्या है बच्चा, केबी है तुम्हारा मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। आपको ये नहीं देखना ये कहां से आया है, बिल्कुल भी जानने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है आपका, मोलैलिटी है, मोलैलिटी। और ये क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद कितना बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों का बढ़ गया, विच इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ध्यान रखना, ये चेंज आप बेशक सेल्सियस में लो या डिग्री में लो, बात एक ही है, चेंज में कोई फर्क नहीं आता। जब मैं चेंज की बात करूं, ध्यान से सुन लो, जब मैं चेंज की बात कर रही हूं, वो चाहे आप सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन करो तो यूनिट को साथ लेके चलो, अगर यूनिट को साथ लेके नहीं चलोगे तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यूनिट देखूं बेटा केबी की, अच्छा इसको और क्या बोलते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। बढ़िया, ठीक है, अगर अब मैं यूनिट देखूं बच्चे,
यूनिट ऑफ के बी, तो क्या लिखूंगी मैं, के बी क्या होता है, इसको मैं केल्विन में ले लेती हूँ, ले सकती हूँ ना, मोलैरिटी किसमें होगी, मोल पर केजी में, यस मैम, केल्विन मोल इनवर्स केजी इनवर्स केजी, ये इसमें हो जाएगा, केल्विन है ये, किलो मत बोल देना इसको, ठीक है जी, बोलो, यस मैम, अब मैम डेंसिटी को इसको और रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो जो आपकी बुक में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो आपकी बुक में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है वो आप अभी नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे आप लेके चलेंगे, यूनिट को लिखेंगे, अगर नीड होगी तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मान लो 500 ग्राम में डिसोल्व किया या 100 ग्राम में किया, तो ग्राम में दिया जाता है, उसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे जो आपकी बुक में दिया गया होता है, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप लोगों yes. को yes, अभी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कई कई क्वेश्चन में एग्जामिनर फंसा देता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिख रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, WB by MB 1 by WA, तो ये आपको जो है यूज करना है, अब जल्दी से इन टर्म्स का क्या मतलब है, WB क्या है लिख लो अपने उसमें ही नोटबुक में, WB क्या है, MB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, आप प्लीज वो लिखिए, जल्दी लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूट है WB, लिखो, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है बच्चा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और KB क्या है आपका, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग केबी की वैल्यू होगी, जल्दी आपको वाटर ही दिया जाता है सॉल्वेंट में और उसकी वैल्यू होती है 0.52, याद नहीं करनी है, वो आपको देगा एग्जामिनर, आपको देगा, ठीक है, नहीं दे रखी तो याद रखना, हाँ बोलो बेटा, मैम ये जो आपने क्वेश्चन लिखे है कि जो डेल्टा टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, मैम ने तो पढ़ा था मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, तो मैम हम बोल सकते कि डिपेंड करती है, क्या नहीं करती है बच्चे, मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, यस मैम, अच्छा, लेकिन ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर ये चेंज होगा मोलैलिटी में, जो भी ये टर्म्स है, मास कितना सोल्यूट तुम डाल रहे हो वो चेंज होगा, तो उसके करस्पोंडिंग तुम्हारा तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा, मतलब चेंज कितना आया बॉइलिंग पॉइंट में वो तुम देख पाओगे विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ सोल्यूट कितना तुमने डाला है, ओके मैम, समझ रहे हो इस बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कोमल ने, वेरी गुड, एजम्पशन क्या है, ठीक है, अच्छा एक बार सुनो मेरी बात, एक और चीज है जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है, एक मिनट मुझे बस दो मिनट दे दो, अगर मान लो तुम लोगों को केबी नहीं दिया होगा, इफ केबी इज नॉट गिवन, तो उस केस में जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा केबी का, लिख लो क्या होता है, जल्दी लिखो, आर टी नॉट बी का स्क्वेयर लिखो, एम डिवाइड बाय 1000 इनटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये रेयर केस में यूज होता है, क्वेश्चन नहीं आता इस पे, नहीं आता मैम, क्या है, हाँ एम है बच्चा, लिखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैम यहाँ पे एम ए कर दो ना, मोलर मास, लो बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, और ये क्या है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लोगे,
अगर कैलोरी में होगी तो कितना लोगे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लोगे, ठीक है। ये क्या है, टी नोट बी क्या है बच्चे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, नहीं नहीं बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, मोलैलिटी क्या है आप लोगों का, मोलैलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, यस मैम, ओके, ठीक है। इसके क्वेश्चन एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हो जाएंगे आराम से, करना ट्राई, नहीं तो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी, ठीक है। यस मैम, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में आप देखोगे कि वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन बाकी जितने भी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको होगा, मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो अगर सोल्यूट के मोल्स चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। ओके मैम, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना रखे ना, बहुत है, पता ही नहीं चला 1.5 घंटा कब चला गया। Yes, man. Yes, man.